गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट टू यूज ऑफ इट, यानी कि एक हमने पहले वीडियो बनाई थी यूज ऑफ इट के ऊपर, ये उसका सेकंड पार्ट है, तो उससे आगे की बात करेंगे। आइए सीखते हैं। देखिए, इट के यूज में पहले हमने सिखाया था कि टाइम पूछने और टाइम बताने के लिए इट का प्रयोग होता है, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए इट का प्रयोग होता है, ठीक है, मौसम बताने के लिए इट का प्रयोग होता है और किसी बात पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग होता है। तो हमने चार पॉइंट वहां पर क्लियर किए थे और अब हम तीन पॉइंट और क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, कोई काम करने का समय हो गया है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, अरे भाई ट्यूशन जाने का समय हो गया है, अरे भाई स्कूल जाने का समय हो गया है, चलो खेलने का टाइम हो गया है। मम्मी बोलती है, चलो नाश्ते का समय हो गया, आ जाओ फटाफट खा लो, ठीक है। तो कोई काम करने का समय हो गया है, जब भी आपको बोलना है तो आपको सेंटेंस को इट से बनाना है। जैसे कि स्कूल जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। आपको उस सेंटेंस को इट इज टाइम टू से बनाना है। इट इज टाइम टू गो टू द स्कूल, इट इज टाइम टू टेक लंच, इट इज टाइम टू टेक डिनर, इट इज टाइम टू बी हैप्पी, खुश होने का समय हो गया है, ठीक है। तो अच्छा, एक और डाउट आता है यहाँ पर कि यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है हो गया है, जो कि देखने में लगता है परफेक्ट जैसा, लेकिन आप इसको कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम टू से। अगर वो पास्ट फॉर्म में होगा कि हो गया था, भाई खेलने का समय हो गया था, तो आप बनाएंगे इट वॉज टाइम टू, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोई काम करना कैसा है, जब आपसे कोई पूछे भाई ये फलाना काम करना कैसा है या ये काम करना कैसा है, कैसा था, कैसा होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो भी हमें इट का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। तो इस सेंटेंस में हमें जवाब मिल रहा है कि अंग्रेजी सीखना कैसा है, आसान है, मुश्किल है या कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर आपको इस चीज का रिप्लाई मिल रहा हो कि कोई काम करना कैसा है, आपका सेंटेंस उसका रिप्लाई दे रहा हो, तो वहां पर भी आप इट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है क्या, टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। ऐसे सेंटेंस को बनाते समय आप ध्यान रखना है, इसको दो टुकड़े में बांटना है आपने। एक तो जो काम हो रहा है अंग्रेजी सीखना, इसको अलग कर लो, और बहुत आसान है इसको अलग कर लो। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो पहला सेंटेंस आप ये बनाएंगे, बहुत आसान है। अब जब आप बहुत आसान है को ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या लगाऊं, तो वहां पर कंफ्यूजन होगी। तो आपको सब्जेक्ट देना है इट, बहुत आसान है मतलब इज एम आर, इट इज वेरी इजी। तो दूसरा हिस्सा बचा हमारा अंग्रेजी सीखना, टू लर्न इंग्लिश। जब आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ ना, ने, नी लगा हो तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बना इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोई काम करने का कोई काम करने में समय लगता है या पैसा लगता है। अब लगता है, लगा और लगेगा, ये तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है। यानी कि आपके सेंटेंस में ये भी हो सकता है कि इस काम को करने में इतना समय लगता है, आपका सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि इस काम को करने में मुझे इतना समय लगा, आपका सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि भाई फलाना काम करने में मुझे इतना समय लगेगा, यानी कि फ्यूचर में होगा वो काम। तो चाहे लगता है आए, चाहे लगा आए, चाहे लगेगा आए, आपको करना क्या है, इस लगेगा शब्द के लिए एक तो टेक का यूज करना है, यानी कि टेक की कोई फॉर्म यूज करनी है टेंस के अकॉर्डिंग, टेक, टुक, टेकन। अगर परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म लेंगे, अगर पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म भी ले सकते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। इस मकान को बनाने में 10 लाख रुपए लगे या लगेंगे, ठीक है। तो अगर हम लगे को लें तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो हमने बनाया 10 लाख रुपए लगे, इट टुक 10 लाख रुपीज, बचा क्या, टू बिल्ड दिस हाउस। मैंने कहा था ना कि सेंटेंस को दो हिस्से में बांटना है, इस मकान को बनाने में 10 लाख रुपए लगे, तो 10 लाख रुपए लगे ये एक हिस्सा हो गया आपका, और इस मकान को बनाने में दूसरा हिस्सा हो गया। तो पहले आपको वो हिस्सा बनाना है 10 लाख रुपए लगे। अब इसमें फिर प्रॉब्लम है आपको कि सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप इट का प्रयोग करें, इट टुक 10 लाख रुपीज टू बिल्ड दिस हाउस, ठीक है।
अगर हम लगेंगे लेते, मान लीजिए फ्यूचर टेंस होता तो हम बोलते इट विल टेक, लगेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट, इट विल टेक 10 lakh rupees टू बिल्ड दिस हाउस, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंस को तोड़ लेंगे तो आपको बनाना आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस मकान को बनाने में 2 साल लगे। देखिए यहाँ पे हम समय की बात कर रहे हैं, टाइम, साल, यानी कि 2 साल एक समय है। यहाँ पर हम पैसे की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा था समय या पैसा लगना, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस मकान को बनाने में 2 साल लगे या लगेंगे, तो इट विल टेक 2 साल लगेंगे, इट विल टेक 2 years क्या करने में, टू बिल्ड दिस हाउस, इस मकान को बनाने में। मैंने बताया था कि जब भी आपकी वर्ब में ना ने नी होगा तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं आप। तो हमने यही किया, इट विल टेक 2 years 2 साल लगेंगे टू बिल्ड दिस हाउस, इस मकान को बनाने में। यहां पर हमने 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट और हैं जहां पर आप इट का यूज करते हैं, और यहाँ पर लगना शब्द के लिए आपको टेक टुक टेकन ही यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना, और सेंटेंस को 2 हिस्से में बनाकर ही ट्रांसलेट करना है, तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लें। तो आई थिंक आपको इट का कंप्लीट यूज आ गया होगा, आप पार्ट 1 की वीडियो भी अच्छे से देख लेना और पार्ट 2 की भी, तो आप इट का यूज अच्छे से सीख जाएंगे। और 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि एक बार में थोड़ा समझ में नहीं आता, कभी कभी डाउट्स रहते हैं, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से इट का प्रयोग सीख जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।